हाज़रीन और नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दरसे कुरान के सिलसिले में हाजिर हैं। आयत नंबर 28 पे 28 और 29 की तिलावत और तर्जुमा किया था और उस पर कुछ बात भी हुई थी। आज उस पर मजीद थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। كيف تكفرون بالله, कैसे तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार करते हो अल्लाह के साथ। हकीकत यह है कि तुम न थे, फिर उसने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वफात देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ वापस लौटोगे। अल्लाह ताला तो वो मेहरबान ज़ात है, खलकलकुम, जिसने पैदा किया तुम्हारे फ़ायदे के लिए। मा फिल अर्द जमीन, जो कुछ ज़मीन में है तमाम। सुम्मस्तवा इलस्समाए, फिर मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। फसव्वा हुन्न सबा समावात, फिर उसने बराबर कर दिए सात आसमान। वहुवा बिकुल शैइन अलीम, और वो हर चीज़ से वाकिफ है। अल्लाहु अकबर। सामईन कराम, अल्लाह ताला की नाशुक्री, अल्लाह ताला नाशुक्री की वजह दरियाफ्त कर रहा है इंसानों से, हमसे। हकीकत तो ये है कि हम लोगों ने अल्लाह ताला की नाशुक्री की रविश इख्तियार की हुई है, और उसका शुक्रिया नहीं अदा कर रहे। सामईन किराम, अल्लाहु अकबर, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं। मुकाम शुक्र में हैं कि मुकाम कुफ्र में हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसकी नेमतों का या नाशुक्री, इस पर मैंने बात भी की थी। और ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सिर्फ शुक्रगुजारी की रविश अल्लाह ताला को पसंद है, नाशुक्री की रविश अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंसान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम से नवाजा है और ऐसी अक्ल दी है कि दुनिया में किसी को भी ऐसी अक्ल से अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा। ऐसी पहचान, ऐसी मारिफत, चीज़ों की पहचान आगे आएगी। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला, इसमें तस्करा होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, शुऊर दिया है, अक्ल दी है, तो आखिर
जब इतनी बातें हैं या तो अकल ना होती। फिर तो ठीक था, जैसे कि एक जानवर खेती में चर रहा है लेकिन उसको अपने और पराए खेत की तमीज नहीं होती, उसको तो बस सब्जा चाहिए और इसके बाद जो है बस, और तो कुछ उसको नहीं चाहिए। तो हमारी मिसाल जानवरों की से तो नहीं है। हाँ, वो लोग जो सुनते नहीं, जो हक की आवाज को नहीं सुनते, जो हक को देखते नहीं, जो हक बोलने से कासिर है, अल्लाह ताला ने उन्हें जानवरों की तरह करार दिया है। उलाइक कल अनाम, इनकी मिसाल जानवरों की सी है। अल्लाह, समईन, अगर आपको कोई जानवर कह के पुकारे तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप जानवर नहीं हैं। लेकिन अगर जानवरों की सिफात अगर अपना लें आप, तो फिर तो बुरा नहीं लगना चाहिए। चोर को आप अगर चोर कहें, कातिल को अगर कातिल कह के पुकारें, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसने चोरी की है, उसने कत्ल किया है, उसने चोरी की है, उसने डाका किया है, तो ये अलकाबात बुरे नहीं लगेंगे उसे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जानवरों की मिसाल करार देता है कि ये लोग, इनमें तो कोई शऊर ही नहीं। जिस तरह जानवर में शऊर नहीं होता, इसी तरह इन लोगों में भी, ये भी जानवरों की मिसल है। मसलुहुम का मसलिल्लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदान। अल्लाह ताला फरमाता है, इन लोगों की मिसाल तो उन जानवरों की सी है जो जिसको पुकारा जाता है तो वो तो सिर्फ पुकार को सुनते हैं या आवाज को सुनते हैं, बाकी वो माने तो नहीं जानते, उसके हकीकी मफहूम से वाकिफ नहीं होते। अजीजाने गिरामी, तकरीबन इसी तरह हमारी मिसाल है। अल्लाह ताला हमें पुकार रहा है कि आओ ऐ मेरे बंदो, आ जाओ मेरे पास, मेरे दामन रहमत में अपने आप को छुपा लो, मेरी रुबूबियत के अंदर आ जाओ। तुमने जो दावे इकरारे रुबूबियत किया था उसकी तजदीद करो और मेरे दामने रहमत में आ जाओ। रसूल पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ऐ बंदो चलो अल्लाह ताला की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, चलो अल्लाह ताला की तरफ, इन्नी लकुम मिन्हु नजीरुम मुबीन। देखो अगर तुम नहीं गए तो इसका बड़ा खतरनाक अंजाम होगा। अगर अल्लाह ताला को तुमने अपना मकसूद नहीं बनाया तो इसका तो बड़ा खतरनाक अंजाम होगा। इन्नी लकुम मिन्हु नजीरुम मुबीन, उसकी तरफ से मैं तुम्हें उस के अंजाम से डराने वाला हूं, बिल्कुल साफ साफ। तो हकीकत यह है, आप थोड़ा सा आप और मैं अगर सोचें, रसूल की पुकार पर हमने कान नहीं धरे हैं। हाँ, नफ्स की पुकार को सुन रहे हैं, शैतान की पुकार को सुन रहे हैं, दुनिया की पुकार को सुन रहे हैं,
दुनिया और माफी हा, इसमें आप बीवी है, बच्चे हैं, आप खुद हैं, आपका नफ्स है, आपके साथी हैं, आपके अजीज हैं, इनकी पुकार को आप सुन रहे हैं। अल्लाह, लेकिन अल्लाह की पुकार पर आपने कान नहीं धरे, ना आपका मन मान रहा है कि अल्लाह की पुकार पर मैं ईमान ले आऊं। इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, कयामत के दिन वो जन्नती लोग जो हैं वो कहेंगे, हमने तो इन्ना समिअना, हमने तो एक पुकारने वाले की पुकार सुनी। इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम, एक पुकारने वाले की आवाज सुनी कि ईमान ले आओ अपने रब पर। फआमन्ना, हम ईमान ले आए। तो ऐ अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दे। पुकार है, पुकार सुन लीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार सुन लीजिए, इसी में हमारी जिंदगी है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ लोगो, जवाब दो। ऐ ईमान वालों, जवाब दो। इस्तजीबू, जवाब दो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का। जब वो तुम्हें पुकारे, उसमें तुम्हारी हयात है, उसमें तुम्हारी जिंदगी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, तुम जिंदा हो जाओगे, रूहानी तौर पर तुम जिंदा हो जाओगे। अल्लाह, तो पुकार की जवाब देना चाहिए, पुकार का जवाब देना चाहिए। हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जवाब क्या है? ये जवाब है जो मैंने अभी आपको बताया। आप कहें कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मतलूब नहीं। ये जवाब है, ये जवाब दो। क्या जवाब है? ये जवाब है, अशहदो, मैं शहादत देता हूं अपने अमल से कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई ना मकसूद है, ना मतलूब है, ना महबूब है, और मैं गवाही देता हूं कि मेरे लिए रोल मॉडल जो है वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जवाब है। कैफ तकफुरून बिल्ला, आखिर वजह क्या है तुम्हारी नाशुकरी की? वजह क्या है? कैफा, क्या हो गया है तुम्हें? कैसे तुम इनकार कर सकते हो? कैफ तकफुरून बिल्ला, कैसे तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार कर सकते हो? वकुंतुम अमवातन, देखो तुम तो न थे, मौत बमाना यहां न होने के है, न थे, तुम्हारा वजूद ही नहीं था। फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी। आप देखें, हम और आप फिर रहे, इतरा इतरा के चल रहे हैं रुए जमीन पर कि नहीं? इतरा रहे, माल पे इतरा रहे, अपने शख्सियत, अपनी सूरत पर, अपनी शख्सियत पर, अपने खानदान पे, अपने जो आपके पास बैंक बैलेंस है, जो आपके पास जायदादें हैं, उस पे आप इतरा रहे कि नहीं? तो आप कौन हैं? आप तो कोई नहीं थे, आपका तो वजूद ही नहीं था, आपको पैदा किसने किया है? कोई और खालिक है आपका अल्लाह के सिवा? नहीं, उसने ही तुम्हें पैदा किया है। फअहयाकुम सुम्म युमीतुकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी है, अब तुम्हें मौत देगा वो,
मौत को न भूलो, तुम्हें मौत देगा अब। इस हयात के बाद दूसरा नंबर मौत का है, तीसरा नंबर फिर हयात का है। सुम युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा वो। और फिर क्या होगा, दोबारा जिंदा होगे तो कहां जाओगे, कहां लौट के जाओगे, क्या ठिकाना है। इलैहि तुरजऊन, जिस जात की तुम नाशुक्री कर रहे हो, जिसकी पुकार का तुम जवाब नहीं दे रहे, उसकी तरफ वापस लौटाए जाओगे और फिर तुमसे वो पूछेगा, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा जो तुम नाशुक्री करते थे, उसकी तुम्हें खबर दे देगा। सुम इलैहि तुरजऊन, देखो तुम्हारा आखिरी ठिकाना जो है वो तो फिर तुम अपने खालिक के पास वापस जाओगे और उसके पास खड़े हो जाओगे अकेले। वलकद जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, देखो तुम मेरे पास तो आ गए ना अकेले, जिस तरह मैंने तुम्हें यहां पर अकेले पैदा किया था, अब देखो दोबारा तुम मेरे पास अकेले खड़े हो। न तुम अब इस वक्त तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे वो माबूदाने बातिल, तुम्हारे वो मकासदे बातिल जो दुनिया में तुमने मेरे याद से मुंह फेर कर अपने उसको अपना माबूद और मकसूद और मतलूब और महबूब बनाया हुआ था, वो तो आज कोई भी नहीं है। न वो पैसे हैं तुम्हारे पास, न तुम्हारी वो पोजीशन है, न इख्तदार है, न वो दबदबा है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न माँ है, न बाप है। फुरादा, अकेले आ गए ना। वलकद जिअतुमूना फुरादा, अकेले आ गए। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे कि मैंने तुम्हें पहली बार अकेले पैदा किया था। अल्लाह, बात यह है कि ये सोचने की बातें हैं। कैफ तकफुरू, आखिर कैसे तुम इनकार कर सकते हो जबकि उसी के पास वापस लौट के जाना है तुम्हें। सुम इलैहि तुरजऊन, फिर तो वो तुमसे पूछेगा। وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, मैं जरूर पूछूंगा जिनकी तरफ रसूल भिजवाए गए थे, जिन्होंने पुकारा था मखलूक को, उस मखलूक से मैं जरूर पूछूंगा कि अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई थी, कोई डराने वाला नहीं आया था। उस वक्त तो तुम कह दोगे कि बेकद जा अना नजीरुन, हाँ जी आया था, लेकिन हमने तो उसे झुटला दिया, उसकी तो आवाज ही ना सुनी, उसका नाम सुन के अपने अंगूठों को चूम लेते थे, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सला। उसके नाम पे यौम इश्क रसूल पे जो है बैंक जला देते थे और नाहक खून बहाते थे उसके नाम पर, नाहक खून, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सला। क्या हुआ यौम इश्क रसूल पे आप अपराधों को जलाया, ईसाइयों के माबित को जलाया, ये इस्लाम की आपको हिदायत है। सुम इलैहि तुरजऊन, फिर वापस उसकी तरफ, यानी तुम्हारा तो छुटकारा ही नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला के पास वापस जाना ना होता तो ठीक है, फिर तो कोई यानी तुम्हारी यानी एक सूरत बनती थी कि ठीक है तुम सुनो या ना सुनो अल्लाह ताला की पुकार को, उसके रसूल की दावत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम तो वापस उसकी तरफ जाओगे, तुम्हारा तो अगला ठिकाना हुआ वही है। सुम युमीतुकुम सुम इलैहि तुरजऊन, तो वजह क्या है, कैफ तकफुरू, कैसे तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार कर रहे हो, कैफ तकफुरू, कैसे तुम उससे आंखें फेर रहे हो, कैसे तुम उसकी दावत को नजरअंदाज कर सकते हो। इस्तजीबु, मान लो, लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, रसूल
अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर। अब इसके बाद जो है दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन। अल्लाह देखो जरा सोचो तो सही, तुम जिन नेमतों में डूबे हुए हो, सूरज तुम पर अपनी किरणें निछावर कर रहा है, खेत जो है तुम्हारे लिए फसलें उगा रहे हैं, आसमान से बारिश तुम्हारे लिए बरस रही है, और फिर ये रूए ज़मीन पर देखो ये तमाम किस्म की नेमतें जो तुम रात दिन इस्तेमाल कर रहे हो, ये किसने, ये नेमतें तुम्हारे लिए किसने पैदा की हैं? वो तो वही ज़ात है, तो कैसे उससे तुम उसकी तुम नाशुक्री कर रहे हो। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन। देखो अल्लाह ताला तो वो ज़ात है जिसने पैदा किया है तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है, तमाम तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। तो जब तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है तो ये सारी नेमतें तुम्हें इसका एहसास नहीं है? तुम जिस बदन में रह रहे हो ये किसने तुम्हें दिया हुआ है? हलक से निवाला उतारना तो तुम्हारा काम है, इसके बाद जो मशीन बनाई है वो किसने बनाई है? खाने को हजम कौन कर रहा है? वो मशीन कैसी मशीन है? फिर इसके बाद यानी आप देख लें जिनने आप अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, वैसे भी गर्मी ना हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए तो आपकी आपकी सेहत जो है बरकरार रहे। ये पानी आपको, मीठा पानी किसने दिया है? ये तमाम नेमतें आप जरा आंखें बंद करके सोचें, ये किसने आपको दी हैं? हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला तो वही ज़ात है। खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन। फिर सुम्मस्तवा इलस्समा, सुम्मा माने इसके बाद, यानी आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या मतलब? कि ये यानी इन नेमतों पर इक्तफा नहीं किया, सिर्फ ये नेमतें पैदा नहीं की बल्कि मुतवज्जे हुआ तुम्हारे फायदे के लिए, सात आसमान बना दिए, सबअ समावात फसव्वाहुन्ना, बराबर कर दिए सात आसमान। सात आसमान मतलब यह है ऊपर जो कुछ भी फिजा है उसका तुम पर असर हो रहा है वो तुम्हारे लिए जरूरी है। अल्लाह ताला कोई बेफायदा काम तसव्वुर, हम देखें, हम तो जो है हमें ये बात एक अलग है कि हमें किसी कुर्रे के वजूद के फवायद का इलम नहीं है। अल्लाह ताला की कोई तखलीक बेमकसद नहीं। बाज वक्त यानी कोई बेवकूफ इंसान सोचता होगा ना कि इतनी बड़ी कायनात की क्या जरूरत थी। ये तो हमारी छोटी सी अकल है। अल्लाह ताला पाक है कि वो अबस काम करे, वो तो हमें रोकता है कि वल्लज़ीनहुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, मोमिन वो हैं जो बेफायदा और फजूल कामों से एराज करते हैं। तो ऊपर कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इसकी हमें जरूरत थी, इसके असरात हैं हम पे। तो जब अब यहां थोड़ा सा आप रुकें और इस आयत के जो मजमून है इसमें इस पर गौर करें। बात यह है, सच्ची बात यह है कि यानी ये तो हमारी अकल में आता है
कि इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, जो कुछ ज़मीन पर मौजूद हैं हमारे लिए, हमारी ज़ियाफ़त तबा के लिए इनकी ज़रूरत थी। इतना तो हमारी समझ में आता है। तो इस अकल में आप ये भी तो लाने की कोशिश करें कि हमारा वजूद जो है वो सिर्फ ज़ाहिर तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसान हकीकत में तो रूह है। इंसान हकीकत में रूह है। अब रूह रूह इंसानी असल है इंसान की। तो इन यानी अब देखें, एक तो तसव्वुर वो कुरान का है जो हकीकत है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है पैदाइश का। लेकिन आप देखें कि यानी ज़हनी तौर पे आप सोचें, अकल से सोचें। अगर अकल से हम सोचेंगे तो हम ये जान लेंगे कि नहीं, इसका एक नतीजा होना चाहिए। यानी जो कुछ हो रहा है ज़मीन में इसका एक नतीजा होना चाहिए। दूसरा, ये तमाम काम बामकसद होना चाहिए। अक्ल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इंसान दुनिया के लिए पैदा किया गया है, दुनिया के लिए। अक्ल ये नहीं मानती। अक्ल ये कहती है कि नहीं, कोई और अजीम तरीन मकसद होगा। अक्ल ये कहती है, क्योंकि अक्ल जब सोचती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि इंसान का तो एक जुज वो है हकीकी जो कि नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर के लिए तो अल्लाह ताला ने ये तमाम असबाब पैदा कर दी हैं। अब जो इंसान का मकसद है, जिसके लिए इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है और ये तमाम नेमतें दी हैं, उसका क्या मकसद होगा और वो असबाब ज़राए क्या हैं? जिस्म की जिंदगी की नशो नुमा के लिए या जिंदगी की बका के लिए अल्लाह ताला ने असबाब ज़राए पैदा कर दिए। अब जो हमारी असल है, हमारी रूह है, उसके लिए क्या असबाब है? उसके उसको मकसद तक पहुंचाने के लिए क्या असबाब हैं, क्या ज़राए हैं, क्या नेमतें हैं? ज़ाहिरी नेमतों से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन बातिन भी कुछ होना चाहिए। बातिनी कुछ असबाब और ज़राए होना चाहिए ताकि वो रूह जो है अपने मकसद को हासिल कर ले। अक्ल ये कहती है, अक्ल में ये बात आती है कि हाँ, कुछ और असबाब और ज़राए होने चाहिए और उस रूहानी तरक्की और नशोनुमा के लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो वो जब अक्ल ने ये मान लिया तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई ज़ालिकल किताब, देखो तुम्हें सिरात मुस्तकीम, एहदेना सिरात मुस्तकीम, तुम्हें सिरात मुस्तकीम की तलब है। ज़ालिकल किताब, तुम्हारी रूह के लिए जो है वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं। और जो उन उसूलों पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएंगे। जो उसूले तकवा पर अमल करेगा और एक परहेजगार जिंदगी गुजारेगा तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। तो उसके लिए जो है यानी अल्लाह ताला हमारी रूहानी जरूरतों से एक तो बेखबर नहीं, उसको इल्म है। वह हुआ बिकुल शैइन आलिम में ये मज़मून है कि वो देखो हर चीज पर आलिम है। तुम्हारे जाहिरी जरूरियात का भी उसे इल्म था, सो उसने पैदा कर दी। लेकिन तुम्हारी हकीकत के लिए, तुम्हारी रूह के लिए जिन नेमतों की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने वो नेमतें भी तुम पर तमाम कर दी हैं। وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا। आज जो है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी बातिनी नेमतें जो हैं वो तुम पर तकमील कर दी कुरान के नुज़ूल के साथ। ये आयत है
खुतबे यानी हज्जत अलविदा के मौके पर यह आयत नाज़िल हुई थी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए राजी हूं इस्लाम बहैसियत दीन की। तो अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी जो जरूरियात थी उससे भी वो वाकिफ है। वह बिकुल शैइन अलीम, वो हर चीज से वाकिफ है। हमारी जो रूहानी जरूरियात है उससे भी वो वाकिफ है। तो आप देखें इंसान की जरूरत क्या है, वो हिदायत है। किताब क्या है, हिदायत है। जालिकल किताब हुदन, इसमें हिदायत है। अल्लाह की हिदायत का मोहताज है इंसान अपनी रूहानी तरक्की के लिए। जब वही आती है पहली वही, उसमें कहा जाता है कि वअल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को अल्लाह ने वो इल्म दिया जिसको जिसका इसको इल्म ना था। अल्लाह, तो कुरान जो है वो नेमत उज़्मा है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी तरक्की के लिए नाजिल फरमाई है। तो अल्लाह ताला अब मजमून जो है, आप दोनों आयतों का मजमून ज़रा गौर करें तो इसमें यह है कि यानी एक तो नाशुक्री की कोई वजह नहीं, नाशुक्री की कोई वजह नहीं, ये तो शैतानी और नफसानी हमले होते हैं जिसकी वजह से हम नाशुक्री की रविश इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में नाशुक्री की कोई वजह ही नहीं। इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की जाहिरी और बातिनी, जो कि बेशुमार नेमतें हैं। तो जब नेमतें बेशुमार हैं तो उसकी नाशुक्री की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कहीं कोई कमी अल्लाह ताला ने अगर रखी हो, देखें कमी कोई नहीं है, नेमतों में कोई कमी नहीं। जाहिरी आप नेमत, मैंने उस दिन भी आपको बताया था गुज़श्त दर्श में कि जो जाहिरी नेमतें हैं उसकी भी अल्लाह ताला ने देखें क्या क्या ख्याल रखा है। लतीफ से लतीफ आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए उसने नेमतें पैदा कर दी हैं। आपको माल्टे की ज़रूरत नहीं थी, आपको केला आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, अनार आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, अनन्नास आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, सेब आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, खरबूजा आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, आम आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, चीकू आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, शरीफा आपकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। गिनते जाए आपकी यानी ज़ियाफ़त तबा के लिए कि क्या क्या नेमतें उसने यानी पैदा कर दी है। जो ज़रूरियात हैं उसका तो उसने लाजमी ख्याल रखा है। अब पेट्रोल आ रहा है, तवानाई का आज अहम जरिया है पेट्रोल, ये लाखों साल से ज़मीन में पोशीदा आपके लिए अल्लाह ताला ने बनाया होता है। गैस जो है, गैस ये लाखों साल से मौजूद थी, अब अल्लाह ताला ने वो इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दर मालूम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके मेरे पास ख़जाने भरे हुए ना हों, लेकिन मैं उसको एक अंदाज़े के मुताबिक उसका नुज़ूल करता हूँ, उसको मैं इंसान तुम्हें देता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी तो हैं लेकिन छोटी छोटी जो आपको मैंने अभी गिनवाई, आप भिंडी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, आप तुरई के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, आप मिर्च के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, आप नमक के बगैर आपकी जिंदगी रह सकती, लेकिन नहीं। अल्लाह ताला ने तो यानी आप इस तमाम गुफ्तगू से मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने तो आपके ज़ाहरी जिस्म की ज़ियाफ़त तबा के लिए बहुत सी नेमतें पैदा की हैं। इसी तरह रूहानी जो आपका असल वजूद है,
इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या अल्लाह ताला को इल्म नहीं? नहीं, इल्म है, वह बिकुल शैन अलीम। फिर अल्लाह ताला ने बुनियादी हिदायत नाजिल किया और फिर उसमें जो नेमतें उसमें रखी हैं, जो इस दुनिया में रूहानी नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है उसका भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन वो चीज़ तो बयान की नहीं, उसका ताल्लुक तो बातिन से है, तो वो बयान भी हम नहीं कर सकते। वो तो लुत्फ आपको जब आएगा जब आप रूहानी रास्ते पर चल पड़े, तो फिर आपके जो अजायबात हैं फिर आपका दिल उनको देखेगा, जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको लिए तैयार कर दी हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी को नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उसके आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या नेमतें तैयार कर रखी। तो सुम इलैहि तुरजऊन, नहीं, वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज पर वाकिफ है, उसका उसको इल्म है हर चीज का, आपकी जरूरियात, तमाम जरूरियात का। जाहिरी जरूरियात का तो आप देख रहे, लेकिन बातिनी जरूरियात उसका भी उसको इल्म है। तो उसने जो आपकी बातिनी जरूरत है, जो वही उसने नाजिल किया है, वो आपकी जरूरत है, तो आप उससे क्यों मोहमो रहे हैं, उसकी नाशुक्री क्यों कर रहे हैं। हकीकत में सामईने किराम, थोड़ी सी अगर आप यहाँ रुक के ये एक इन आयत के यानी समझने की कोशिश करें, नाशुक्री हम लोग कर रहे हैं और वो नाशुक्री है, यानी जो हमारी असल यानी जिस मकसूद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया है, और जो नेमत उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है, तो बात यह है कि वो उस नेमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुरान और अल्लाह के रसूल, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फजल है। अब यह है ना कि इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसका शुक्रिया क्या है कि आप कबूल कर लें उस दावत को, उस पर लब्बैक कहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। देखिए, हज के मौके पे आप ये नारा बुलंद करते हैं, अल्लाह, लेकिन एक काबा तो आपके दिल में भी है, एक काबा तो है, वो आपके दिल में भी है, और वो उस काबे से कहीं ज्यादा मुअज्जज़तर है जो मक्के शरीफ में है। अल्लाह, जो काबा मक्के शरीफ में है, आपके दिल में जो काबा है, वो उस काबे से अगर आपने उसको काबा बना लिया, तो वो उस काबे से ज्यादा मुअज्जज़ है जो के मक्के शरीफ में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काबे की तरफ मुखातिब होके कि ऐ काबे, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए घर हो, लेकिन वल्ला बिल्ला एक मोमिन के दिल के बराबर नहीं। हमारे शेख एक शेर कहते थे,
कि बदिल शमए हरमदारी चरा सुए हरम पोई चु यार अंदर बगलदारी चिसु दस कतए मंजिल हा। अल्लाह के हरम की शमा तो तुम्हारे दिल में है, बदिल शमए हरमदारी चरा सुए हरम पोई, बदिल शमाए हरमदारी, हरम की शमा। हरम की शमा कौन है? अल्लाह, अल्लाह का घर है ना। हरम की शमा तो तुम्हारे दिल में है। कल्बुल मुमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल जो है वो तो अर्श रहमान है। ला यसिउनी फी अर्दी वला समाई वलाकिन यसिउनी फी कल्ब इम्रइन मुमिन, मैं न आसमान में समाता हूं, हदीस कुदसी है, न जमीन में समाता हूं, लेकिन मैं मोमिन के दिल में समा जाता हूं। बदिल शमए हरमदारी चरा सुए हरम पुई, हरम की शमा तो तुम्हारे दिल में है, हरम क्यों जाते हो? चुयार अंदर बगलदारी चिसूदस कत ए मंजिल हा, यार तो तुम्हारी बगल में है, मंजिलें क्यों तय करते हो? सामईन किराम, मैं बात कर रहा था उस तलबिये की जो कि हम हज और उम्रे के मौके पर बावाज़े बुलंद कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, बात यह है कि ये तलबिया अगर आप अपने अमल से अभी कह दें तो बेहतर है हमारे लिए। ये तलबिया सिर्फ हज तक महदूद नहीं है, सिर्फ उम्रे तक महदूद नहीं है। ये तलबिया सामईन किराम आप अब भी इसको बाआवाज़े बुलंद कह सकते हैं। ओह, क्यों? कि पुकार, अल्लाह ताला कह रहा है कि जवाब दो, पुकार का जवाब दो। पुकार का जवाब क्या होता है? देखें, अल्लाह ताला ने हमें पुकारा हुआ है। ओह, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। क्लासरूम में जब क्लास लगती है और तलबा इकराम बैठे होते हैं, टीचर आता है और हाजिरी लेता है और एक एक का नाम, तालिब इल्म का नाम पुकारता है, तो तालिब इल्म क्या जवाब देता है? लब्बैक लब्बैक। इंग्लिश में तो इंग्लिश स्कूलों में कहते हैं यस सर, यस सर, आई एम प्रेजेंट। और अरबी में हम तो अपने शेख के दर्स में जब हाजिरी ली जाती थी हमारी, तो हमारे जब नाम पुकारने वाला पुकारता था तो हम जवाब में लब्बैक कहते थे। और अब भी अल्लाह ताला का फजल है कि मैं अपने शेख के दर्स में शरीक होता हूं और बाआवाज़े बुलंद लब्बैक कहता हूं। तो सामईन किराम, ये लब्बैक जो है ये आज भी हम कह सकते हैं, बाआवाज़े बुलंद कह सकते हैं। क्यों? कि पुकार तो हो रही है। या अय्युहल इंसान, कौन पुकार रहा है? अल्लाह पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? इंसान को पुकार रहा है। या अय्युहल इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है उस रब्बे करीम के बारे में? अल्लज़ी खलक़का फसव्वा, जिसने तुम्हें पैदा किया। देखें, वही मजमून है, हुवल्लज़ी खलक़
कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। वहाँ कह रहा है कि अल्लज़ी खलक, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बराबर किया, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है कि तुम लब्बैक नहीं कह रहे। वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम लब्बैक, तुमने उससे मुंह मोड़ा हुआ है, तुमने उसको बुला दिया है, तुम उसकी पुकार का जवाब ही नहीं दे रहे। किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है, क्यों तुम, क्या वजह है कि तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार कर रहे हो। कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम नाशुक्री कर सकते हो अल्लाह की कि तुम न थे, उसने तुम्हें पैदा किया। या अय्युहल इंसान, अल्लाह की पुकार क्या है, ए इंसान, इंसान तो हम हैं, काफिर भी इंसान है, मुशरिक भी इंसान है, मुनाफिक भी इंसान है, सारे लोग इंसान हैं, उन इंसानों को पुकार रहा है। और इस जो सूरत में, सूरे बकरा में अभी हमने आयत नंबर 21 पढ़ी, तो कैसे पुकारा है अल्लाह, या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, या फिर वो खलक़कुम के अल्फाज आ गए, ऐ लोगो बंदगी इख्तियार कर लो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ये देखें अल्लाह ताला की पुकारे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, और हमारे जैसे लोगों के लिए क्या पुकार है, ऐ ज़बानी दावा ईमान करने वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, सही ईमान ले आओ अल्लाह पे और उसके रसूल पर। अल्लाह, तो पुकार तो रहा है वो, हुजूर भी पुकार रहे, हुजूर भी पुकार रहे, अल्लाह अपनी अपनी और अल्लाह की तरफ वो पुकार रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, दुनिया की चीजों से मोहब्बतें छोड़ दो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत के जरिए तुम अल्लाह की मोहब्बत पाओगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन नास अजमईन, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, ला युमिन, हो ही नहीं सकता मोमिन, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता उस शख्स का जिसको मैं महबूब ना हो जाऊं उसकी वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा। तो हाजिरीन किराम, ये हज की लब्बैक, ये तो एक रवायती सी चीज हमने बना ली है कि वहां जाके लब्बैक कह आते हैं जबानी तौर पर। लब्बैक तो यहां कहना पड़ेगा और कहना चाहिए लब्बैक, क्यों, लब्बैक तो पुकार के जवाब में होती है। अगर नहीं पुकारा अल्लाह ने और उसके रसूल ने तो फिर तो ठीक है, आप लब्बैक ना कहें, लेकिन अगर उसने लब्बैक कह के आपको पुकार के आपको पुकारा है, आपका नाम लेके पुकारा है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि तुमने शैतान की इबादत नहीं करनी। या बनी आदम, ए बनी आदम, ए इंसान, ए मोमिन, ए अहले किताब, ये सबको अल्लाह ताला ने पुकारा है, नाम ले लेके पुकारा है। तो सामईन किराम, लब्बैक कहना चाहिए और ये पड़ेगा अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, आंखें बंद करके अल्लाह के रास्ते पर दौड़ पड़े। फ़फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते को मुंतखब करके उसकी तरफ लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक,
आपको दौड़ना पड़ेगा और दौड़ पड़े तो बेहतर है, क्योंकि मंजिल तो कोई और है ही नहीं, अल्लाह के सिवा तो कोई मकसूद ही नहीं है, उसके सिवा तो कोई मतलूब ही नहीं है। हो अल्लाह अल्लाह, वह बिकुल शैइन अलीम, वो हर चीज पर, हर चीज को जानता है, हर चीज को जानता है, आपकी जरूरियात से वाकिफ है वो, आपकी जो जिस्मानी जरूरियात थी वो भी उसने मुहैया कर दी हैं, जो रूहानी जरूरत थी वो भी उसने आपको मुहैया कर दी है। तो जब उसको इल्म था और उसने तमाम इंतजामात कर दिए हैं, तो फिर बात यह है कि उसको लब्बैक कहना होगा और उसके रास्ते का इंतखाब करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की अल्लाह अल्लाह, वह हुआ बिकुल शैइन अलीम, व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।